मैं शादी करना चाहती हूँ। किससे? इब्तिसाम अंकल ने प्रपोज किया था। मैं मेलोनिसा से शादी कर रहा हूँ बहुत जल्द। और इतनी बहुत कट कट अरे इब्तिसाम छोड़े छोड़े। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे हक में फैसला दिया। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ? अफान ने जो आपके साथ बदतमीजी की है, ये आपकी आंख पे नील? नहीं कोई बात नहीं, वो देखो ना, वो लड़का है, यंग है, उसका गुस्सा आना फितरती बात है। देखो मगर अच्छी बात ये हुई है कि सारे मामला तकरीबन हल हो गए। जी तकरीबन। मैं वादा नहीं करता लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा साथ आपको कभी मायूस नहीं करेगा। मेरी जिंदगी की जितनी सांसें बाकी बची हैं ना, मैं आपको क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो मैं काफी दिनों से इन्फेक्शन था और एंटीबायोटिक भी ली थी, बट वो मैं कफ सिरप लेना भूल गया था। उफ, क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे वो कफ सिरप लेना भूल गए आप। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि मेरा साथ कभी आपको मायूस नहीं करेगा। मायूस तो वो लोग होते हैं जिनकी तवक्को ऊंची होती है। तवक्को जितनी कम रखी जाती है, मायूसी भी उतनी कम होती है। इसी को शायद हकीकत पसंदी कहते हैं, मगर ज्यादा भी हकीकत पसंद होना इंसान को बोर कर देता है। ख्वाब देखने से जिंदगी हसीन और खूबसूरत हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? बहुत ख्वाब देखती थी मैं। हिदायत के साथ ने मुझे सब ख्वाबों से निकाल दिया। लेकिन अब तो हिदायत नहीं रहे, आप ख्वाब देख सकती। देखने लगी थी ख्वाब में, लेकिन ताबीर पाना आसान नहीं होता ना, इसलिए ख्वाबों की दुनिया से निकलना पड़ा। मेरे ख्याल में आपको डॉक्टर के दोबारा जाना चाहिए। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जरा कमरे से उससे तरफ ले मैरू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और आपको अपनाना चाहता हूँ दिल से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी बड़ी बात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हेलो हेलो, हाँ चलो ओके, थैंक यू। इतना बड़ा फैसला कर लिया, मगर दिल इब्तिसाम के लिए खुश क्यों नहीं है? लोगों से, माशरे से, बच्चों से, किससे खौफजदा हूं मैं और क्यों? अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं आपको प्रपोज नहीं करता शादी के लिए। वैसे ही चलने देता जैसे चल रहा है सब कुछ। मेरा तो अच्छा ही चल रहा है ना सब कुछ। मेहरू, शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं दिल से जिंदगी भरी कमिटमेंट निभाना चाहता हूँ। और मेरे ख्वाब को आप भूल नहीं सकती, क्योंकि ख्वाब नहीं मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत को नहीं झुटला सकती आप।
और इस ख्वाब को खुद पूरा करना चाहेंगी आप। मुझे ना जाने ये क्यों लग रहा है कि तुम माहिर को दिल से रिजेक्ट नहीं कर रही हो, तुम्हें सिर्फ आने वाले तूफान से डर लग रहा है। हालांकि देखा जाए तो तुम मिस्टर इब्तिसाम की भी नीयत और इरादे को 100% नहीं जानती। तो अगर दोनों ही तुम्हारे से दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं तो फिर मिस्टर इब्तिसाम ही क्यों, माहिर क्यों नहीं? सुबह सुबह किधर चल दिए? जॉब पे। अरे तू तो ऐसे तैयार हुआ जैसे तुझे कंपनी का सीईओ रख लियो। अगर खुश नहीं हो सकते ना तो खून तो मत जलाओ बेटा। किस्मत में हुआ ना तो एक दिन सीईओ ही बन जाऊंगा। किस्मत ने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी खुशगुमानी तुम्हें ले डूब। अबे जा। ओए एक सेकंड, एक सेकंड। ओए मेहरू का फोन, पहले बात कर। घात तक डाली मेहरू ने तुमको। मेरा पहला दिन है जॉब का, सुबह सुबह देर से नहीं जाना चाहिए, जा रहा हूँ मैं। शाबाश शाबाश, जाओ 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 जाओ। और याद रहे पहली तनख्वाह से ट्रीट लूंगा। 15,000 में ही तनख्वाह ट्रीट ही मिल सकती है। ट्रीट तो तेरा बाप भी देगा, जाके ले ले मेरे बाप से, तो जानता भी नहीं मैं इस दुनिया में हूँ। ट्रीट लूंगा। सेंसिटिव। वही हुआ ना जिसका डर था। क्या? आपकी रिपोर्ट में दिल का मसला आया है, एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर मैं तो ना सिगरेट पीता हूँ ना खाने पीने में कोई ऐसी गलती करता हूँ, बहुत एहतियात करता हूँ। जहांगीर साहब कभी कभी इंसान बगैर किसी वजह के भी बीमार हो जाता है। विरासत में सिर्फ जायदाद ही नहीं बीमारियां भी मिलती है औलाद को। मुझे तो सिर्फ बीमारियां ही मिली हैं, जायदाद तो कोई नहीं। क्या करना है? जितना जल्दी मुमकिन हो आप एंजियोग्राफी करो। खर्चा क्या आएगा? एंजियोग्राफी में तो 20,000 से 25,000 खर्चा आएगा। अगर आप स्टेंट डलवाते हैं तो 2 से 2.5 लाख, और अगर बाईपास करवाते हैं तो तकरीबन 4 से 5 लाख खर्चा होगा, वो भी सरकारी अस्पताल में, और अगर आप प्राइवेट कराते हैं तो इससे भी ज्यादा महंगा। मैं तो सरकारी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आप दवाइयाँ वगैरह लिख दें, फिर देखते हैं। अल्लाह मालिक है। देखिए चले मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी आपको। जी देख लीजिए। अफ़ान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी और मुझे तुमसे। खैर मैं माँ की तरफ जा रही हूँ, शॉपिंग करनी है शादी की। अफ़ान की शादी की शॉपिंग या आंटी की शादी की शॉपिंग? ज़मीर मुझे तुम्हारे ये चीप जोक्स बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? अफ़ान की शादी के बाद आंटी की शादी है ना, मैं तो एक बात पूछी है। तुम्हारी बात में जो मजाक और तंज छुपा हुआ है ना वो साफ नजर आ रहा है। मैं जा रही हूँ, रात के खाने पर इंतजार मत करना। सर भाई राजू। हाँ ये फरीद साहब के साथ जो लड़का था ये कौन है? आरएम ग्रुप है ना,
उनके दामाद बहुत चालाक आदमी है। हाँ, ये आर्यन ग्रुप कोई बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है भाई। हिदायतुल्लाह इसके एमडी थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी वाइफ ने अपना सारा बिजनेस दामाद के हवाले कर दिया। मैडम मेहरून साहब? हाँ, ये उसका दामाद है। हाँ, उन्हीं के दामाद है। काम आर्यन ग्रुप में कर रहा है और बिजनेस अपना चमका रहा है। बहुत चालाक आदमी है। तुझे कैसे पता? राजू को सब पता है। हाँ, ये मैडम को दे देना। मैडम सॉरी। यू इडियट, देहान किधर है तुम्हारा? सर आप मेरे सामने आ गए इसलिए गलती से टक्कर हो गई। टू हेल विद योर सॉरी। देख के खुद ही चल रहा, कसूर मुझे ठहरा रहा। सर जो हुआ है वैसा ही बता रहा हूँ आपको। सॉरी सर, जाने दे, नया लड़का है, माफ कर दें सर। मैं फरीद अंकल से बात करता हूँ कि तुम आप बंदोबस्त करें। ऐसे बदतमीज और इल मैनर्ड लोगों की जरूरत नहीं है इस कंपनी को। सॉरी सर, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? ये लड़का कहीं देखा है इसे? कहां देखा याद नहीं आ रहा। अरे आप बच्चों के साथ गए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना। नहीं, वो उफान की शादी के लिए तो शॉपिंग करनी चाहिए ना। मिनाल जानती है मेरी पसंद को, कुछ ना कुछ खरीद लेगी वो। वैसे भी अपनी पसंद को पसंद करने का कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मुझे। देखिए, मुझे तो अफान की शादी के लिए शॉपिंग करनी है ना, आप प्लीज मेरे साथ चलें। नहीं नहीं, आप जाइए, आपा के साथ जाइए। वो अपनी सहेली से मिलने के लिए गई हुई। इब्तिसाम मगर प्लीज देखिए, अब आप मेरे साथ चलेंगे, गाड़ी मैं चलाऊंगा ताकि ये मैं कह सकूं कि पाकिस्तान में मैं ड्राइव कर सकता हूं। हां ठीक है, चलें। आइए। थैंक यू। होश आ गया? नहीं। कौन है? इब्तिसाम, इब्तिसामुद्दीन। ठीक, खैर वो डॉक्टर्स कह रहे थे इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आप परेशान मत होइएगा। माहिर थैंक यू, तुम ना होते तो क्या करती मैं? शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करें मुझे। ठीक है, आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन मैं आज भी आपको अपना दोस्त समझता हूँ। ऐसी दोस्त जिसने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। हाँ, वो अलग बात है कि अपनी एक ख्वाहिश से आपका मूड खराब कर दिया मैंने। भूल जाओ उस ख्वाहिश को। आप भूल गई? मैं शादी कर रही हूं इनसे। इब्तिसामुद्दीन से? क्यों, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? हैरत की बात तो है ना,
आप जैसी शानदार खातून फिर से खंडर में कैद होने जा रही है। शादी कैद तो नहीं होती। शादी कैदी होती है मेरी, हर मर्द और औरत के लिए ऐसी कैद जिसका इंतखाब खुद अपनी मर्जी और अपनी खुशी से किया जाता है। मगर मुझे लगता है इस बार शादी करने के लिए इंतखाब आपने अपनी मर्जी और खुशी का नहीं किया बल्कि दूसरों की मर्जी से किया, वरना मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके आप उनको तरजीह नहीं देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। खैर, आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने फैसले, आपको जो बेहतर लगे। एक बात कहूँ आपको, इन अंकल से बहुत बेहतर इंसान आप डिजर्व करती हैं। या शायद आपको हिदायतुल्ला जैसे मर्द की आदत हो गई है। तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है, प्लीज अब तुम जा सकते हो। सॉरी अगर आपको मेरी बात से तकलीफ हुई हो। नहीं, इट्स ओके। चलें, बेस्ट ऑफ लक। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप जैसी शानदार खातून फिर से खंडर में कैद होने जा रही है, मगर मुझे लगता है इस बार शादी करने के लिए इंतखाब आपने अपनी मर्जी और खुशी का नहीं किया, वरना मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके आप उनको तरजीह नहीं देती। इन अंकल से बहुत बेहतर इंसान आप डिजर्व करती हैं। शायद आपको हिदायतुल्ला जैसे मर्द की आदत हो गई है, वरना मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके आप उनको तरजीह नहीं देती। आपको होश आ गई? हाँ। कैसे हैं आप? हम बेहतर हैं। कोई पानी, जूस? कॉफी? कॉफी मैं करवाती हूँ। इब्तिसाम, क्या हुआ इस सर पर? अरे भाभी, मैरनिसा पर हमला हो गया था, उसको बचाते हुए जख्मी हो गया है। ओफो, तुम्हें भी क्या जरूरत थी हीरो बनने की? जो कुछ मांग रहे थे दे देते। अरे आप ही ने तो मुझे हीरो बनाया है। मुझे लगता है कि मुझ जैसे लूजर बंदा मैरनिसा के काबिल नहीं है। हाँ चलो, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो ना तो जो कुछ पास हो देकर अपनी जान बचाना। अल्लाह का वास्ता, ऐसा मत कहें कि अगली बार ऐसा हो। नहीं, अगली बार ऐसा ना तो होगा। बेटी चलो अभी आराम करो। आज गलत कर रहा हूं मैं अपने साथ और मेरे मिसा के साथ। ठीक कह रहा था वो लड़का, मैरोनिसा मुझसे बेहतर शख्स डिजर्व करती है। जिंदगी के एक लम्हे का भरोसा नहीं और मैं मैरोनिसा के पीछे भाग रहा हूँ। उसको वो सब दे भी सकूंगा या नहीं जिसकी उसको तलब हो? क्यों आ गया हूँ मैं भाभी की बात में? हेलो नासिर, कैसे हो भाई? हाँ मैं ठीक हूँ। बस यार मेरी वो अगले संडे की एक सीट बुक कर दो टोरंटो कनाडा की।
हेलो हेलो, आप नाश्ता क्या करेंगे? ओ, शानो को बता दिया मैंने। मैं जा रहा हूँ सहरा आंटी के साथ ज्वेलर्स के पास। ठीक है, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेहतर है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आप क्यों शर्मिंदा होंगे? शर्मिंदा इसलिए हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सका और वो लड़का बाजी ले गया जो जो मेरा मतलब है ये वही लड़का है ना जिसको आप हॉस्पिटल देखने जाती थी और शायद इसने आपको प्रपोज भी किया था। तो आपने सारी बातें सुन ली है ना? हाँ, लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूँगा इसलिए कि अगर ना सुनता तो मुझे कैसे अंदाज़ा होता कि उस लड़के के लहजे में सच्चाई है और आपके लहजे में मजबूरी है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो नहीं, ऐसी बात है। तो ऐसा करते हैं कि आज से आप मुझे अपना दोस्त समझें, आप ये भूल जाएं कि मैंने आपको प्रपोज किया था। अब आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं, मैं आपको सच्चा और मुखलसाना मशवरा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं खुश हूँ अपने फैसले से, मुझे लग रहा है कि मैंने सही फैसला किया है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ आपके फैसले से। देखो ना, एक एजेड आदमी जिसके साथ इतनी बीमारियां लगी हुई है जो आपको खुश भी नहीं रख सकता, आप उसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? आप उसके साथ जिंदगी गुजारे जिसको आप चाहती है, जो आपको खुश रख सके, जिसके साथ आप खुश रहे। रही बात दुनिया के लोगों की, तो वो तो दोनों सूरतों में बात करें, आप वो बात करें जिससे आपका दिल खुश हो। अगर अफान, मिनाल, दुर्दाना आपा, वो तो उस जैसे यंग मैन को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, आप बहुत अहम हैं। आप मुझे माहिर का नंबर दीजिए। देती हूँ, आप नाश्ता करें प्लीज। यस। उसके साथ जिंदगी गुजारे जिसको आप चाहती है, जो आपको खुश रख सके, जिसके साथ आप खुश रहे। रही बात दुनिया के लोगों की, तो वो तो दोनों सूरतों में बात करें, आप वो बात करें जिससे आपका दिल खुश हो। मगर मुझे लगता है इस बार शादी करने के लिए इंतखाब आपने अपनी मर्जी और खुशी का नहीं किया बल्कि दूसरों की मर्जी से किया।
वरना मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके आप उनको तरजीह नहीं देती। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आप बहुत अहम हैं। हेलो। थैंक यू। पसंद आई? हाँ, हम दोनों ने साथ ही तो पसंद किया था, भूल गए? हाँ। क्या हुआ? मैं कब से नोट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अपसेट लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूँ। असल में फंक्शन बहुत ज़्यादा थे ना, तो इसलिए थक गया। अब थकन की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि परसों हम यूरोप जा रहे हैं और मम्मी पापा ने सारी अरेंजमेंट्स कर ली। वाकई में ज़बरदस्त। अब तुम्हें भी एक अरेंजमेंट करनी होगी। कैसी अरेंजमेंट? इस घर से सारे फालतू लोगों को फारिग करना है। फालतू लोग? भाई, ये तुम्हारी फूफो और ये अंकल कौन है जो हमारे घर में मौजूद है? अच्छा, वो मेहमान है, शादी के लिए आए, बस चले जाएंगे अब। अब क्या बताऊँ तुम्हें कि वो कौन है और क्या हो जाएंगे? शादी हो गई है ना, जब हम यूरोप से वापस आ जाएंगे तब इन सबको अपने अपने घर जाना होगा। इस वक्त ऐसी बातें करते हैं क्या? कुछ अपनी बातें करो, कुछ मेरी बातें करो। हम दोनों सालों से एक साथ हैं, क्या अपनी तुम्हारी बातें करें। वैसे मम्मी कह रही थी कि आज रात को जो भी बात मनवानी हो तो बोल दो। मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? हसीन, हमेशा की तरह खूबसूरत। मैं और सहर शाम की फ्लाइट से यूरोप जा रहे हैं। इतनी जल्दी? सहर के मम्मी पापा ने टिकट और रिजर्वेशन करवा दी थी। आपका क्या प्लान है? तुम और सहर वापस आ जाओ, फिर बात करेंगे। मैं और सहर वापस आए तो कुछ लोगों को वापस चले जाना चाहिए। काफी अरसा रह लिया इन्होंने। फ्लाइट कब की है तुम्हारी? 8 बजे की फ्लाइट है। अभी मैं और सर आंटी अंकल के पास जा रहे हैं। सर तुम पैकिंग कर लो, वहीं से निकल जाएंगे एयरपोर्ट हम। वापसी कब की है? तकरीबन 1 माह बाद। नाश्ता तो कर लो। नहीं, वो सर की अम्मी ने भी खाना बनाया होगा, वहीं जाए खा लेंगे। अपना ख्याल रखना ना। ये लड़का तो दिनों में नहीं घंटों में बदल गया है। कैसे हुक्म सादर कर दिया कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए? उसके कहने से क्या होता है? इसके कहने से क्या होगा? ये मेरे मरहूम भाई का घर है और इसके बाद मेरे देवर का होगा। मुझे कौन निकाल सकता है यहां से? बस अब तुम दोनों जल्दी से निकाह कर लो। क्यों इब्तिसाम? हाँ, मैं भी चाहता हूं कि मैरूनिसा की शादी जल्दी हो जाए। लेकिन इब्तिसाम, ये अच्छा मौका है मैरूनिसा, अब इनकार नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं ये मुबारक और मुकद्दस काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। देखना, 10 तारीख को मुझे भी कैनेडा जाना। ये लो, तुम दोनों ने मुझे बगैर बताए कनाडा की सैर का प्लान बना लिया। बड़े छुपे रुस्तम निकले हो भाई। अब मैं अकेली रहूंगी इतने बड़े घर में। फिक्र ना करें भाभी, आप अकेली नहीं रहेंगे। नहीं, मेरा मतलब है आप भी चले ना, अब बहुत रह लिया आपने। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं अभी यहीं रहूंगी। ठीक है, तो मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। I'll see you later. मायर, इब्तिसामुद्दीन बैठो। क्या पियो? कुछ नहीं, आप फरमाए। मैं रुनिसा से मोहब्बत करता हूं। जी साफ और स्ट्रेट बात पूछ रहा हूं, शादी तो आप कर रहे हो उसके साथ। मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो, मोहब्बत करते हो? जी। मैं रुनिसा से क्यों मोहब्बत करते? क्यों करता हूं ये तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मोहब्बत करता हूं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्यों तलाश नहीं करते, कैसे कहां और कब उसे पा सकते हैं, ये देखा जाता है। स्मार्ट हो, बातें बनाने आती हैं तुम्हें। दौलत पर नजर तो नहीं है तुम्हारी? ये मेरी खुशकिस्मती है कि जिससे मोहब्बत करता हूं वो अमीर औरत है, नहीं भी होती फर्क नहीं पड़ता मुझे। शादी करोगे मैं रुनिसा से? आपसे पहले मैंने प्रपोज किया था उसे। उस दिन जब तुमने मैरुनिसा को लुटेरे से बचाया था ना, और मैं जख्मी हो गया था, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मैरुनिसा से शादी नहीं कर सकता, शायद इसलिए कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। मैरुनिसा को तुम संभाल सकते हो, तुम्हारी जहानत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत उसे संभाल सकती। मैंने उसे अपने धोखे से बचा लिया, लेकिन तुम उसे धोखा मत देना। नहीं दूंगा। तो ठीक है, कल जुमा है, असर की नमाज के बाद जामा मस्जिद में तुम्हारा निकाह है मैरुनिसा के साथ। ठीक है। बहुत गर्द उठे, बहुत तूफान आएगा, संभाल लेना। हाँ हाँ, थैंक यू। गुड, क्या पियोगे? कॉफी। यार मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हाँ फिक्र नहीं कर, तेरी ट्रीट का इंतजाम हो जाएगा। अरे नहीं, मैंने कब ट्रीट मांगी तुमसे? आप दोनों खुश रहे। थैंक यू बाबर। यू वेलकम। थैंक यू बाबर। हम भी चलते हैं, और आप लोग पीछे बैठेंगे और खाक साथ ड्राइव करेगा। नहीं, आप पीछे बैठेंगे, मैरुनिसा ड्राइव करेगी, मैरुनिसा के साथ मैं बैठूंगा। रियली? अच्छा। आइए। बताया नहीं माने के कहाँ जा रही हैं? बताया तो नहीं, लेकिन इब्तिसाम और मेहरुनिसा साथ चले गए। फिर तो दोनों शादी की शॉपिंग के लिए गए होंगे ना? क्यों फूफू? हो भी सकता है। फोन भी बंद किया हुआ है माने। भाई जब मंगेतर साथ हो तो कहाँ किसी और का ख्याल रहता है, और वैसे भी बुढ़ापे की मोहब्बत है, इस एज में तो मंगेतर ज्यादा ही महबूब होता है। प्लीज समीर, लगता है आ गए। इब्तिसाम कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हैं? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? माँ कहाँ थी आप? वो दरअसल देखिए मैरुनिसा, आप क्यों डर रही हैं?
आपने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। मैंने निकाह कर लिया। इब्तिसाम, यूं अचानक? अरे मुझे तो बता देते। मैंने और मैरुनिसा ने निकाह कर लिया। क्या? दिल दिल